वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 127। इन यूनिट नंबर 127 फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल द यूज़ ऑफ इन ऑन एंड एट। अच्छा जी, अब ये इन ऑन एट कब है कि जब कोई शेड है, कोई डार्कनेस है, कोई वेदर है या कोई बारिश है, तो हम यूज़ करते हैं इन। जैसे वी सेट इन द शेड, हम ऑन शेड या एट शेड नहीं बोलते। साए में, सूरज की रोशनी में, ठीक है, जब आप होते हो तो वहाँ जो है वो इन यूज़ करते हैं। ओपिनियंस के लिए आप इन यूज़ करते हो, इन ओपिनियंस, इन मूवी, इन लाइक इन लव, इन हेट, इन एंगर, तो वहाँ आप इन यूज़ करते हैं। और ऑन हम यूज़ करते हैं ऑन टेलीविज़न, ऑन फ़ोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन अ डाइट, ऑन फायर, ऑन दी होल, ऑन पर्पस। छुट्टी ट्रिप के लिए ऑन यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद उम्र के लिए, एजिस के लिए आप एट यूज़ करते हो। एट द एज ऑफ 16, एट 20 माइल्स, एट 100 डिग्री, तो उन जो है वो के लिए, स्पीड्स के लिए, किलोमीटर के लिए हम जो है एट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाय की। बाय उर्दू में होता है, अगर हम सिंपली इसका मीनिंग करें तो बाय होता है तक। अच्छा, अब इसमें क्या है, वी यूज़ बाय इन मैनी एक्सप्रेशंस टू से हाउ डू समथिंग। फॉर एग्जांपल्स, यू कैन से सेंड समथिंग बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय फोन, यानी ये चीज़ जो है वो मुझे इस तरह से पकड़ा दो या इस तरह से दे दो। कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड। अच्छा, यहाँ फ्रॉम नहीं यूज़ होता, बाय यूज़ होता है। अच्छा, सेंड मी कॉन्टैक्ट नंबर बाय ई मेल, ठीक है, इस तरह से आप। अच्छा, उसके बाद इसी के बी सेक्शन में है, इन द सेम वे वी यूज़ बाय टू से हाउ समबॉडी ट्रैवल्स। कोई चीज़ सेंड करनी है, सोर्स ऑफ सेंडिंग है, ट्रांसमिशन है, तो वो आप बाय यूज़ करते हो। उसके बाद फॉर द सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग भी हम बाय यूज़ करते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बाइक, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, ट्रैवलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, जैस यूजुअली गोज़ टू वर्क बाय बस, बी सेक्शन की फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सी सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पैसिव में हम बाय यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज़ डन बाय सम पर्सन। कैसे, फॉर एग्जांपल देखें, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, क्या तुम्हें कभी किसी कुत्ते ने डॉग काटा है। अच्छा, ये पैसिव में है, एक्टिव में क्या होगा, अ डॉग हैड बिटन हिम, ठीक है, डॉग हैव बिटन हिम, डॉग ने उसे काट लिया है। हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग। अच्छा, उसके बाद है कंपैरिजन बाय और विद का। अच्छा, बाय और विद का कंपैरिजन क्या है, द डोर मस्ट हैव बीन ओपन विद द की। अच्छा, द डोर मस्ट हैव बीन ओपन बाय सम बॉडी, जब किसी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से खुलना है तो आप कहते हो विद अ की। अच्छा, ये विद सम बॉडी, किसी शख्स से खुलना है तो आप विद यूज़ नहीं करते, हम जो है वो बाय यूज़ करते हैं। उसके बाद डी सेक्शन पे आए, यहाँ ये बताया हुआ है बाय आई आल्सो मीन नेक्स्ट टू, बिसाइड्स टू, जैसे कम एंड सिट बाय मी, बिसाइड और अगले के साथ बैठना, किसी दरख्त के तने के साथ या जो है वो चेयर के साथ, तो जो है वो बाय यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ई सेक्शन में फॉलोइंग यूज़ ऑफ बाय, जैसे कि बाय दैट मंथ, बाय थ्री, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्लैरी सैलरी हैज़ जस्ट गोन अप फ्रॉम 25,000 अ मंथ टू, सो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 250 बाय 10%, यानी इतने से ये इंक्रीज़ हो के इतने पे पहुँची है, 10% इसमें जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाती है 129 यूनिट की बात। 129 यूनिट में जब हम जो है वो देखते हैं तो इसमें इस्तेमाल बताया हुआ है नाउन और उसके साथ प्रेपोजिशन का, जैसे कि रीज़न फॉर, काज ऑफ, रीज़न इज़ अ नाउन, काज इज़ अ नाउन, लव फॉर, हेट फॉर, उसके बाद पिक्चर ऑफ, तो
ये जो है नाउन और उसके साथ जो है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, कैसे कि अ डिमांड या फिर अ नीड फॉर, रीज़न फॉर, तो ये इनको हमने फ्रेजल वर्ब भी इनको कहते हैं। इनको जो है वो नाउन के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, एडजेक्टिव्स के साथ, एडवर्ब्स के साथ जो है वो प्रेपोजिशंस का जो यूज़ होता है उसको जो है वो हम फ्रेजल वर्ब और इडियम्स भी बोलते हैं, और हर एक का अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो मैं आपको इंडिकेट कर देती हूँ। हर एक का इस्तेमाल है डिमांड या नीड फॉर, चाहना किसी चीज़ की ज़रूरत का, रीज़न फॉर वजह होना या बताना किसी बात का, एडवांटेज ऑफ फ़ायदा उठाना, काज ऑफ वजह होना, पिक्चर ऑफ, फोटोग्राफ ऑफ, मैप ऑफ, ड्राइंग ऑफ, उसके अलावा ये था ऑफ का इस्तेमाल। फिर है नाउन के साथ इन का इस्तेमाल सी सेक्शन में, जैसे देखें एन इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, राइज इन, फॉल इन, प्राइजेज हैं, मनी है, तो वहाँ जो है वो इन यूज़ होगा, किसी का उतार चढ़ाव इन। उसके बाद नाउन के साथ टू का इस्तेमाल है, डैमेज टू, नुकसान पहुँचाना, इन्विटेशन टू भेजना, सल्यूशन टू, की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी, एटीट्यूड टू। फिर नाउन के साथ विद का इस्तेमाल है, बिटवीन, जैसे रिलेशनशिप विद, कनेक्शन विद, कंटेक्ट विद। तो जैसे एग्जांपल में देखें, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, यानी दोनों चीज़ों के दरमियान जो है वो है, तो आप बिटवीन यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए 123 यूनिट पे, 130 यूनिट पे। अब 130 यूनिट में जो डिस्कस हुआ वो है एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। एडजेक्टिव और प्रेपोजिशंस पे क्या है, नाइस ऑफ, सो नाइस ऑफ यू, काइंड ऑफ यू, जेनरस, पोलाइट, स्टूपिड, सिली, तो आप उसके साथ जो है वो एटसेट्रा ऑफ इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, थैंक यू, इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। उसके बाद एडजेक्टिव्स हो गया, अबाउट विद, एंग्री विद, अनॉयड विद, फ्यूरियस विद, अपसेट विद, ये मूड्स हैं, मूड्स, तो आपने इसके साथ विद इस्तेमाल किया। कुछ एडजेक्टिव्स के साथ एड, बाय, विद और ऑफ इस्तेमाल होता है, जैसे सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट। अच्छा, उसके बाद जो है ये याद करने वाली चीज़ें हैं, समझ तो आपको आ ही गई होगी कि याद करने वाली हैं। फेड अप का मतलब क्या होता है, बोर होना। अब फेड ऑन नहीं होता, फेड इन नहीं होता। सॉरी फॉर, सॉरी अबाउट, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, ठीक है, गलती के लिए जो है वो माफ़ी चाहना या गलती के लिए जो है वो शर्मिंदा होना, तो आप जो है वो सॉरी फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन। कुछ एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशन का और इस्तेमाल 131 में डिस्कस हुआ है। इसमें क्या है, अफ्रेड ऑफ, पहले तो फ्राइटेंड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, फिर कुछ एडजेक्टिव्स के साथ जैसे अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, फुल ऑफ, टिपिकल ऑफ, सर्टन ऑफ। फिर कुछ एडजेक्टिव सी सेक्शन में देखें, वहाँ उनके साथ जो है वो एट, टू, फ्रॉम, इन, ऑन, विद, ऑफ, और यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द वर्ड, जैसे गुड एट, बैड एट, ब्रिलियंट एट, बिटर एट, मैरिड टू, सिमिलर टू, डिफरेंट फ्रॉम, इंटरेस्टेड इन, कीन ऑन, डिपेंडेंट ऑन, क्राउडेड विद, फेमस फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर क्लियरेंस, और हर एक मतलब का उसके साथ प्रेपोजिशन लग के डिफरेंट मीनिंग जो है वो उसका शो होता है, ठीक हो गया।